गाइस हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर एवर। और आज है डे 3, लास्ट डे है और हम हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं। जल्दी आ जा। तो आज है डे 3 और हैंड सैनिटाइज कर लो और लिफ्ट को भी बुला। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, आज का डे स्टार्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी 1 बज गए हैं। ऑलरेडी 1 बज गए हैं और अभी सागर का फ्रेंड आने वाला है, वो यहीं पे रहता है, आधे घंटे के रास्ते में रहता है। तो हम लोग सोच रहे थे नीचे जाके थोड़ा फोटोशूट करते हैं एंड उसके बाद हम निकलेंगे। अभी आज का प्लान पता नहीं क्या है, वही है यार, यहाँ पे तो खाना पीना ही घूमेंगे बस और थोड़ा और घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे आगे लिफ्ट। तो आज हम लोग सोच रहे कुछ पराठे वराठे खाए एंड आज हम अलग ट्राई करें। आज हम सोच रहे कुछ जी दबाओ आज हम सोच रहे कुछ पराठे खाए एंड चूर-चूर नान खाए और कुछ स्पेशलिटी रहेगी तो देखते हैं। अभी फिलहाल तो कुछ प्लान ऐसा कुछ है नहीं। और ये तो हमारा आउटफिट वो मैं दिखाऊंगा, दिखाता। और ये सरदार वाली आउटफिट, नहीं सरदार वाली रिंग, रिंग पूजा का आउटफिट, ब्लैक जीन्स व्हाइट शूज। ये सरोजिनी वाली नहीं है, ये सरोजिनी वाली मुंबई से लिया है ना टॉप। सरोजिनी वाले मैं देखती हूँ, मौका मिला तो पहनूंगी ना। और मेरा आउटफिट सैड हो जा। और आज भी थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है यार, करेंगे टाइम मिला तो करेंगे। और आज शायद सरोजिनी ने कोई और मार्केट में लेके जाने वाले है वो टाइम से अच्छा। सो गाइस, ये है आईबिस होटल जिसमें हम रुके हैं, एरो सिटी। और उसके बीच में है स्विमिंग पूल जहाँ पे अभी बंद कर दिया है। काफी बड़ा होटल है, यहाँ से एंट्रेंस वो वहाँ से है एंट्री का, गाड़ी के एंट्री, और यहाँ से है गाड़ी के एग्जिट। और ये जो बीच में आपको पैसेज दिख रहा है, यहाँ पर है स्विमिंग पूल जो कि अभी बंद है। देखना मास्क में, सब मास्क में चश्मा लगा कर कुछ अलग ही लगा। फायदे का ही नहीं है, फेस तो दिखेगा ही नहीं यार। तो क्या हुआ, इसके लिए मेकअप नहीं करते हम लोग यार। तो मतलब मन नहीं हम लोग, मैं तो करता ही नहीं वैसे भी। तो अभी हम नीचे आके वेट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थोड़े फोटोज पूजा ने क्लिक कर लिए, मतलब मैंने क्लिक थोड़े यार मेरे को साथ में क्लिक करना है तो देखेंगे। फ्रेंड को स्टैंड रख के कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रख के कर सकते हैं। और वो दोस्त का वेट कर रहे हैं, योगेश का अब तक आया नहीं। अच्छी धूप है अभी और अच्छा वेदर है, मतलब पसीना नहीं आ रहा, वेदर अच्छा है। 25-26 डिग्री तो बस अभी उसको कॉल भी क्या उठाया नहीं उसने, अभी देखता आएगा तो उसको पूछता हूँ फोन क्यों नहीं उठाया हमारा। तो फोटो स्टैंड पे रख के लेते हैं, चल दो तीन ले लेते हैं। सागर यार लेस बांधने आता नहीं है क्या, कैसा बांधे है लेस? मेरे को नहीं आता है वो वाला भी देख। मैं ऐसे वाला शूज नहीं पहनती हूँ ना यार, इसके लिए। फिर कैसे वाला पहनती है? डायरेक्ट पहनने वाले। बोले वो वाला भी दे, वो भी निकलेगा। ऐसा लेस बांधे है रे? कैसे बांधने का बता, तुम्हें सच्ची में लेस बांधने नहीं आता? नहीं मैं मुझे ऐसे ही बांधती हूँ यार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद हमेशा रहे। सो गाइस, आपको बता दूं मैं अपडेट कि सागर का फ्रेंड अभी निकलने वाला है तो आधा घंटा और लगेगा। yes. तो क्या करें हम समझ नहीं आ रहे हैं, भूख भी लगी है, वॉक कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात कि आज हम लोग ब्रेकफास्ट करने नहीं गए थे ऑल बिकॉज ऑफ सागर। सागर ने कल अलार्म लगाया था 9 बजे का। अलार्म ही बोलेंगे हम, लगाया था 9 बजे का। और सागर ने स्नूज किया और 10 उठा ही नहीं हो। 10:15 को मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि अभी क्या हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, सो देन वी डिडंट गो फॉर ब्रेकफास्ट ऑल बिकॉज ऑफ सागर। इसने तूने बोला था ना हम लोग नहीं जाएंगे कल, तो सागर 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 एक मिनट, मैंने सागर को क्या बोला था कि हम लोग कल ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जाते। सागर सेड कि नहीं जाएंगे, थोड़ा कुछ खा लेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो सागर अभी क्या मैं बोलूँ बताओ, अभी इट इज ऑलरेडी 1:40 नाउ एंड आई एम हंग्री एंड आई एम हंग्री, कुछ भी नहीं खाया मैंने। इधर आके खा लेगा? नहीं, यहाँ पे खाएंगे तो फिर पेट भर जाएगा रे, फिर वो जो ट्रेडिशनल जो खाना है वो नहीं मिलेगा ना। ठीक है आ जाएगा वो, चलने तो बैठ जाते अंदर। गुस्सा आ रहा है मेरे को सागर के ऊपर अभी, बताओ। सो गाइस, हम बैठे हैं पूल के पास और पूजा को अभी जा तो नहीं सकते, पूल क्लोज है अभी, मजा आ रहा है, जाते नहीं। हाँ यहाँ पे अच्छा लग रहा है, थोड़ा धूप नहीं है ना। सुबह सुबह आना चाहिए तो ब्रेकफास्ट के बाद आने का, थोड़ा हम लोग थोड़ा बैठेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सागर ब्रेकफास्ट के बाद आना चाहिए, ब्रेकफास्ट के लिए उठना भी तो चाहिए ना। लेट्स स्किप द टॉपिक,
तुम्हें क्या बोल रहा था, बहुत अच्छा जगह है ये, और शाम को भी वी कैन कम ओवर, सीट ओवर यार ना, शाम के टाइम में थोड़ा अच्छा। मेरे को पहले फोटो ले, मेरा फोटो लेना है। कितना फोटो लूं, बैठने को नहीं दूंगा रे, वो फूल के वहां पे फोटो छू रहा थोड़ा। ओके वो ट्रांसपेरेंट है रे फूल, पानी सी। चलो गाइस फोटो लेते थोड़ा ना, या तो ये लेगा नहीं। ठीक है फोटो लेते हैं, अब क्या मेरा काम तो वही है ना फोटो लेने का। और ये देखो पूजा को, नहीं पानी में नहीं जाना है, पूल क्लोज्ड है। हो गया ना? जाने का मन कर रहा है पानी में बट नहीं, और कपड़े भी जाने लायक नहीं है ना, जैसे कि हम लोग बहुत बड़े स्विमर से हैं। 3 फीट के पानी में तो कोई भी स्विम कर लेगा। फाइनली योगेश और पंकज आ गए हैं, और टाइम मैं आपको बता दूँ तो 3 बज रहे हैं। हम लोग अराउंड 1.5 आवर से वेट कर रहे हैं। मैंने जब फ़ोन किया ना शायद तभी वो उठा था, मुझे लगता है वो पूछता हूँ उसको मैं भी आएगा तो। फिर मैंने एक बार वापस फ़ोन किया तो बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या करें, अभी ऑप्शन नहीं है ना कुछ ना। हम लोग जा सकते थे बाहर बट हमने सोचा ठीक है वेट कर लेते हैं, उन लोग आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता है, हम जाएंगे तो ऐसे घूमते रहेंगे पागल जैसे। प्रॉब्लम मेन है कि बहुत भूख लग रही है, पूजा ने कुछ खाया नहीं तो उसका भी थोड़ा सा ना अभी टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो मैं कैसे तो उसको समझा रहा था। तो अभी सबसे पहले हम खाने के लिए जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, उनको पूछते हैं कि बेस्ट पराठा खाना है हमें, कहाँ अच्छा पराठा मिलेगा। तो चलिए पूजा वॉशरूम गई आ रही है अभी, फिर हम लोग जाते हैं गाड़ी की तरफ। उन लोग आ गए और हमारा वेट कर रहे हैं, मैं मिलता हूँ बाद में। हम लोग उधर पोल की साइड में बैठे थे, मुझे लगा तुम बाहर है, मैं बोला ना बाहर लगाने, इसके लगा बाहर ही बैठे क्या। पराठा वराठा कहाँ मिलेगा? अच्छा वो ये कैसा है, मूलचंद? मूलचंद जा रहा पराठे वाले के पास। चलो वहाँ छोड़ते उसका, वो वहाँ से स्टार्ट किया था ना सर उसने, वो ठेला लगाता था ये रेडी जो होती है, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। अभी उसकी इतना हो गया है कि उसने मेट्रो के नीचे पूरी शॉप डाल दी है। वो फोटो देखा मैंने, फोटो में दिखा रहा उसके पराठे फेमस है, बहुत सारी वेरायटी उसके पराठे। मूर्थल यहाँ से काफी दूर है वरना वहाँ लेके जाते आप। यहाँ पे एरिया भी गज के हिसाब से होता है, मतलब क्या इधर स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट इधर साउथ दिल्ली में आएंगे तो स्क्वायर फीट। हाँ तो अभी 300 गज बोलते हैं, मतलब कितना होता है उसका? एक गज में 900 स्क्वायर फीट होते हैं, सौ गज में 900 स्क्वायर फीट होते हैं, मतलब 1:9 का रेशियो है। 300 और मतलब 2700 हो गया ना। 27 सब जगह का अलग अलग है ना, बोलते ना गज। हाँ गज का वो अपने इधर जैसा स्क्वायर फीट बोलते हैं, किधर वो एकर बोलते। स्क्वायर फीट वाली जो टर्म थी ना ये स्टार्ट हुई जब से फ्लैट्स वगैरह चलने लगे ना, तब से हुआ है। जो पर्सनल लैंड है लोगों के पास वो सब गज में ही होता है, जैसे हम अपना पर्सनल घर बनाते ना जमीन लेके तो वो गज में मिलता है। तो क्या हो गया अभी ज्यादातर ये बिल्डर लोग आ गए, इन्होंने छोटा करने के लिए उसको स्क्वायर फीट में कर दिया, या तो फ्लैट्स में या फिर कई है उन्होंने अपना ऐसे कई सारी फ्लोर बना रखी है घर में, तो अपनी फ्लोर बेचने लगे तो उसमें फिर स्क्वायर फीट लगाना चालू कर दिया। स्क्वायर फीट गज में वो छोटा लगने लगेगा ना, इसके लिए स्क्वायर फीट में थोड़ा बड़ा लगेगा वो। गज में तो अगर मान लो कि 100 गज का है तो कितना, 100 गज है बस। हाँ बस वही, 900 स्क्वायर फीट नहीं, 900 स्क्वायर फीट तो काफी बड़ी जगह है यार, मुंबई में वही फ्लैट्स के 900 स्क्वायर फीट के करोड़ों के ऊपर रेट है अभी। यहाँ पे ठेला हुआ करता था इसका, पूरी रात लगाता था ये। और वो उसका भी स्टोरी ऐसी है ना, राजू चूर चूर नान वाला, वो तो सब आजकल सभी ब्लॉग करने लगे ना, जिसको जहाँ का टेस्ट लगता है वो वैसे ही। यही है ना चूर चूर नान, इधर भी है मूलचंद पराठा, दिल्ली कितनी है बाप रे। सिंगल में लेने की
तो सागर लोग यहाँ से खरीद रहे हैं और हमने लिया है एक आलू प्याज और पनीर प्याज का थाली, उसमें छोले भी कुछ आता है, रायता आता है। तो सागर और वो लोग सब ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे आप खा सकते हो। और फ्रेंड बोल रहा है कि यहाँ से आप लोग लस्सी ले लो करके, तो देखते हैं। ये है संजय चुड़चुरनार। ये है आलू प्याज और ये है पनीर, दाल मखनी एंड क्या क्या है और छोले एंड ये है चटनी विद सब प्याज। ये देखो, ये देखो सागर, दोनों के इसमें लगाना है ना, दो बटर है। जल्दी लगा, जल्दी यार, बहुत भूख लग रही है। कैसा लग रहा देखो? कंट्रोल नहीं हो रहा है। I don't like. धन्यवाद। ये लस्सी, तो वी गॉट वन मोर पराठा, वन मोर पनीर प्याज पराठा। सागर देखो, इतना अच्छा लगा, हम लोगों को खुद को यकीन नहीं था कि हम लोग एक और पराठा खा सकते। बताओ। वाह 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 वाह। और ये गया सागर के मुंह में। क्या हुआ, क्या गर्म है? मतलब कल जितना खाया ना उससे मस्त ये पराठा था। शायद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख। नहीं, फेमस यही है मैम, पराठे बोले तो अगर हम लोग ब्रेकफास्ट करते ना तो शायद दो एक पराठा आता है, क्या नाम है।